ऐसे साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए एक अभी न्यू पुलिस एक लाइव रेड कंडक्ट कर रही है रेड पे जा रही है और हम साथ में हैं। तो है वो। पकर, पकर, पकर। सर आपको एक OTP आया आप तो अलर्ट पे रहना है नमस्कार इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूँ सौरभ शुक्ला हर रोज आपको दिन में चार से पांच दस से बारह पच्चीस से तीस कॉल आते होंगे मैसेजेस आते होंगे कि क्या आपको अपने एग्जिस्टिंग पर्सनल लोन टॉप टॉपअप चाहिए क्या आप अपनी कार बेचना चाहते हैं क्या आप अपने क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कराना चाहते हैं या फिर क्या आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं क्या आप घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं और कुछ वीडियो कॉल्स और ये हर रोज़ हो रहा है हर रोज़ भारत में बीस हज़ार भारतीय साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं हम इस वक्त पीवीआर में हैं हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है साइबर क्राइम पे इन साइड इंडिया ओ माफिया नू से न्यूयॉर्क तक आप सब लोगों ने जामताड़ा देखी होगी ओ पर वही साइबर क्रिमिनल्स हैं उनके चेहरे बदले हैं पर वो सब कुछ वही काम है जो रोज हो रहा है वही विक्टिम्स हैं और हर रोज हर रोज हम लोग वनरेबल हैं मैं आप 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 कोई भी सारे ब्यूरोक्रेट्स आपको लग रहा होगा कोई मंत्री जी हैं तो मंत्री जी के साथ स्कैम नहीं हो रहा है हाल ही में जूनियन कैबिनेट काबने, कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको एक सेक्स टॉर्शन का कॉल किया गया पर वो मंत्री जी हैं तो पुलिस ने आ, जो अक्यूज़ थे उनको पकड़ लिया लेकिन आम लोगों को जस्टिस नहीं मिल पाता है हमने डॉक्यूमेंट्री दिखाई है कुछ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को जिनकी जिम्मेदारी है हमारे पैसों को सहेज के रखना हमें न्याय दिलाना और उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि धीरे धीरे ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है क्योंकि जिनके पास फ़ोन है जिनके पास इंटरनेट है वो इसका शिकार हो रहे हैं हमारे साथ ममता सिंह जी हैं जो कि ए डी हैं लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा पुलिस की हमारे साथ रोहित सिंह सर हैं जो सेक्रेटरी हैं कंज्यूमर अफेयर्स इनका ताल्लुक हमसे है और हम सब लोग कंज्यूमर हैं ममता जी भी अमित जी भी अमित जी अमित दुबे जी देश के सबसे अच्छे साइबर एक्सपर्ट्स में से एक हैं सबसे पहले अमित जी हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा भी हैं साइबर क्राइम कोई अछूता नहीं है हमारे देश में सबके लिए अलग मॉडल्स एपरेंडी है जिसके जेब में पाँच सौ रुपये है तो साइबर क्रिमिनल सोच रहा है कि उससे पाँच सौ रुपये कैसे ले लिए जाएं इसके पास पाँच हजार है वो पाँच हजार कैसे ले लिए जाए पचास लाख पचास करोड़ ये डॉक्यूमेंट्री जब बना रहा था तो मैं ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने सुसाइड जिन्होंने कर लिया उनकी फैमिली से मिले और वो इतने शेम में जिंदगी जी रहे हैं कि वो सामने आके बोलना नहीं चाहते हैं नहीं। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन गए हमारे देश में और वर्ल्ड के लिए देखिए और ये लगातार हो रहा है अभी आपने देखा होगा भोपाल के अंदर एक फैमिली ने पूरा सुसाइड किया दो बच्चे हैं उनके पति पत्नी दोनों ने लोन ऐप के चक्कर में इसी तरह कुछ बच्चों का आपने देखा होगा पबजी के चक्कर में भी सुसाइड हुआ था और ये जो सेक्सटॉशन है इसमें भी सुसाइड हुए हैं लोग इतना ज़्यादा डर गए घबरा गए क्योंकि कोई भी रेपुटेशन जो हमारे यहाँ है सोसाइटी में सबसे बड़ी स्टेक होती है और यदि उस पर आप वार करते हो तो सामने वाला कमज़ोर हो जाता है और उसके बाद वो पैसा भी देता है पुलिस के पास जाने से भी डरता है क्योंकि पुलिस के नाम से ही धमकाया जा रहा होता है समझ में नहीं आता और वैसे भी यदि वो जिंदगी भर कभी पुलिस के पास नहीं गया है तो उसको उस समय बड़ी हिम्मत नहीं होती कि पुलिस के पास जाके कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ और समझाऊँ तो ये एक सोसाइटल साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा इशू है और उस वजह से इस सबसे ज़्यादा बड़ा क्राइम हो गया है लेकिन जो एक और चीज़ है कि हर दिन मोडस ऑपरेटिव बड़ी तेज़ी से बदल रही है अभी आप एक्सट्रॉशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे अवेयरनेस फैलाएंगे कल वो कुछ और करेंगे फिर कल कुछ और करेंगे तो लोन ऐप था फिर सेक्सट्रॉशन था पहले ओ फ्रॉड थे लिंक फ्रॉड थे ई कॉमर्स फ्रॉड हैं सोशल आ, मीडिया वाले फ्रॉड हैं डिफीमेशन कर देना है तो ये इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है और इत, इसका दायरा इतना बड़ा है कि हर कोई उसमें आ ही जाता है जो आपने बिल्कुल सही बात कही आपका मुझे ओ चुराना है तो ऐसे दस तरीके आपको फ्रॉड जीपीटी बता देता है कि कैसे बिना फोन टच के आप ओटीपी उड़ा सकते हो तो हर किसी के पास एक्सेस है तो ये लोग वहां से सब सीख कर अप्लाई करते हैं और लोगों के पैसे उड़ाते हैं तो ये मेरे ख्याल से उस वजह से थोड़ा अनकंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल हो गया है इंडिया तो में इंटरनेट फ्री है लगभग और कोई पाबंदी नहीं है इंटरनेट पर आप अमेरिकन की तरह बोलना चाहते हैं तो यूट्यूब में अवेलेबिलिटी है आप रशियंस की तरह बोलना चाहते हैं इंग्लिश तो उसकी भी अवेलेबिलिटी है ममता जी आप हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की इंचार्ज हैं इस समय डीजीपी जी पी है सी है, है और आप देख रहे हैं नू हरियाणा का एक साइबर क्रिमिनल्स का एक नया स्पॉट बन गया जामताड़ा पीछे हो गया पंद्रह परसेंट लगभग साइबर क्राइम नू से हो रहा है और मेवात रीजन से लगभग पैंतीस परसेंट भरतपुर है राजस्थान में यूपी में मथुरा है और पैंतीस से चालीस परसेंट दिल्ली मतलब दिल्ली से पाँच पाँच सौ किलोमीटर के एरिया में साठ परसेंट से ज़्यादा साइबर क्राइम हो रहा है नू में हमने डॉक्यूमेंट्री में शूट किया साइबर क्रिमिनल्स के साथ ये वहाँ रहते हैं और बॉर्डरिंग एरिया है तो वो कॉल हरियाणा में रहते हैं वो जाएंगे दस किलोमीटर पर यूपी का बॉर्डर है यूपी में कॉल करेंगे सिम तोड़ के वापस हरियाणा में आ जाएंगे पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है उनको पकड़ना और नू हरियाणा का सबसे पिछड़ा इलाका है और जो साइबर क्रिमिनल पढ़े लिखे नहीं है इनसे हम मिले तो कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए जैसे आपने अपने जो सवाल में काफी चीजों का जवाब दे दिया कि चुनौती क्रॉस बॉर्डर कर जाते हैं क्रॉस बॉर्डर और क्योंकि साइबर क्राइम की अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है पुलिस के आगे ये ट्रांस बॉर्डर क्राइम है अब महाराष्ट्र कर्नाटका गुजरात बैठा बल्कि जैसे आपने दिखाया आपकी डॉक्यूमेंट्री में कि जो यूएस में बैठे हुए हैं उनको भी यहाँ से बैठे बैठे वो लोग ठगी का शिकार कर लेते हैं प्रॉब्लम यहाँ पर यह होती है कि जो ये पर्टिकुलर क्योंकि हम मवाद की बात करते हैं नुह की बात करते हैं तो नुह में एक मेजोरिटी जो एक मेज़र तबका है एक बड़ा तबका जो है वहाँ ड्राइवरी का काम करते हैं नो कि मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा उसके और थोड़ा डिटेल में लेकर के जाऊँगी कि नो जो है जैसा आपने कहा कि इतना डेली के पास है गुड़गांव के अगर मैं फ्रिज एरिया से देखूँ तो बॉर्डर से नूह मुश्किल से बीस किलोमीटर के अंदर है तो ये भी कितनी अजीब बात है कि एन के इतने जो साइबर सिटी के नाम से प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में उसके 20 किलोमीटर दूर एक ऐसा इलाका है जो इतना पिछड़ा हुआ है कि जहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है जहाँ बहुत अच्छी शिक्षा के संस्थान नहीं है उसके बावजूद भी वहाँ का एक आम व्यक्ति जो एक यूथ है इतनी आसानी से यूट्यूब और जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए और दुनिया भर के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति को मूर्ख बना रहा है पर इसमें आगे मैं आपको एक और बात लेकर के चलती हूँ कि अगर मैं नूह की बात करती हूँ तो ये पहली बार ऐसा नहीं है कि ये इस तरह का क्राइम वो कर रहे हैं अगर आप थोड़ा और पीछे थोड़ा इतिहास में जाते हैं तो ये एक बहुत हैरान और कमाल करने वाली बात है कि डिस्पाइट कि इतना पिछड़ापन होने के बावजूद भी नूह के जो युवा हैं उन्होंने शुरू से एक लंबे समय से पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बहुत बड़ी संख्या में ठगी का शिकार ना है 98 में मैंने इस कैडर को ज्वाइन किया 98 से लेकर के अगर मैं आज 2023 की बात करती हूँ एडेप्टिलिटी उनकी बहुत अच्छी है जैसे समय के साथ परिवेश के साथ हम इतनी जल्दी एज अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हम इतनी जल्दी नहीं बदल पाए नई टेक्निक्स को हमने अडेप्ट नहीं किया लेकिन नूह की जो ठगी की अगर मैं बात करती पहले टटलू गैंग के नाम से प्रसिद्ध थे सोने की ईटे बेचा करते थे कॉर्नर आपको देते थे और बाद में पूरा सोने की ईटे लेकर के जाते थे जो नकली होती थी समय बदला लोगों में ग्रीड होती है लोगों की नीड होती है लोगों की ग्रीड नीड और ईज ऑफ लाइफ ये तीन ऐसे हमारे जो है फास्ट ग्रोइंग लाइफ में हमारी ज़रूरतें हैं और उसको उन्होंने एक्सप्लाइट किया नीड और ग्रीड का ये कि समय बदलने के साथ वो सोने की ईंटों से बदलते बदलते वो ठगी का दूसरा उन्होंने रूप लिया प्लास्टिक दाना जैसे आपको सस्ता मिलेगा जमीन आपको सस्ती मिलेगी hmm. आपको कुछ कोई भी प्रोडक्ट दुनिया मतलब पूरे हिंदुस्तान के मैं इनवेरेबली चार से छः टीमें हमारी पूरे इंडिया की नुह में आकर के सर्च के लिए होती बैठी होती थी क्योंकि व्यापारी को बुलाया जाता था सस्ते सामान के लिए उसको हॉस्टेस कर लिया जाता था और छोड़ने के बदले में हवाला से पैसा लिया जाता वो जो अब कोविड में फिजिकल ट्रांजेक्शन बंद हो गया फिजिकल मूवमेंट बंद हो गया वी मूव जब हम जैसे कंज्यूमर जब मूव किया इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो भी मूव कर गए Hmm. तो ये जो एक कहते हैं कि क्राइम की तरफ जो उनका जो टैलेंट है वो तो शुरू से था हैरानी की बात है कि हम सर एक उनके अडेप्टेबिलिटी और उनके स्विच करने की स्पीड देखिए कि तुरंत वो स्विच ओवर कर गए और आज नतीजा ये है कि साइबर क्राइम में समतारा से बहुत आगे मुंह निकल चुका है बिल्कुल जामताड़ा से आगे निकल गए हैं नुह में आप सर आपसे बात करेंगे बहुत बहुत सवाल हैं पुलिस वालों से लेकिन सर कंज्यूमर अफेयर्स आप डिपार्टमेंट है आप उसके सेक्रेटरी है पूरे देश में हम कंज्यूमर हैं और हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है डेटा प्रोटेक्शन एक्ट सरकार ला रही है हमारा डेटा जो फोन में है वो सुरक्षित ही नहीं मतलब बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज है हर चीज़ मैं क्या सर्च कर रहा हूँ अगर मुझे पिज्ज़ा खाना है तो मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा और वो क्या क्या कर रहा हूँ उसके लिए सब उसको पता है साइबर क्रिमिनल को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ मेरा डेटा चला जाता है तो सर वो कंज्यूमर के लिहाज से हमें इंटरनेट तो मिल गया फ़ोन तो मिल गया लेकिन हम पहले से कहीं ज़्यादा सुरक्षित हो गए क्योंकि हमारा पैसा ही सुरक्षित हो गया तो डिजिटल इंडिया तो बन रहे हैं पर तो उस डिजिटल इंडिया में हम उसी डिजिटल तरीके से ठगे भी जा रहे हैं वो हम लोग कैसे बचे हैं सरकार कैसे कदम उठा रही है धीरे धीरे देखिए किसी भी मुद्दे के इस तरह की चीज़ों के दो एस्पेक्ट होते हैं एक तो प्रिवेंटिव और दूसरा आफ्टर द इंसिडेंट हैज़ टेकन प्लेस तो जब इंसिडेंट हो जाता है तब तो मैडम के विभाग की जिम्मेदारी हो जाती है लेकिन सबसे पहले विल हैव टू फोकस ऑन प्रिवेंशन और प्रिवेंशन का सबसे बड़ा जो पहलू है वो है क्रिएटिंग अवेयरनेस कंज्यूमर हिमसेल्फ और हर सेल्फ हैज टू बी अवेयर ऑफ नॉट शेयरिंग अननेसेसरी इंफॉर्मेशन अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक सर्कुलर निकाला हमें ये शिकायत आई थी हमारी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे कि कुछ जो शॉप्स हैं वो स्पेशली इन द मॉल्स दे आर इंसिस्टिंग ऑन अ फोन नंबर बिफोर द परचेज इज़ कम्प्लीट ट सो प्रिवेसी की आपने बात करी अब जो सोशल मीडिया पे दिन में पचास बार पोस्ट कर रहा है उसकी प्राइवेसी के लिए आप क्या कहेंगे सो यू हैव टू बी योर सेल्फ वेरी कॉशियस एज टू वॉट यू शेयर ऑन द डिजिटल मीडियम बट इन्होंने जैसे डॉक्यूमेंट्री में कहा आई रिमेम्बर हिस्सेंस दैटर एक्टिंग सो मच डिजिटली

आपने एक चीज़ खरीदी पाँच सौ रुपए की जब आप चेकआउट कर रहे हैं तो उसमें दस रुपए का बीइंग ह्यूमन आपसे बिना पूछे ऐड किया जा रहा है ऑल दिस इज लीडिंग टू समथिंग विच इज़ नॉट लीगल एंड वी कॉल इट अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस वी आर नॉट अ पुलिस डिपार्टमेंट बट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू इन्श्योर दैट द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बिहेव एंड नॉट ओनली ई कॉमर्स वी हैव जस्ट इशूड गाइडलाइंस फॉर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स किसी के बीस लाख फॉलोअर हैं पच्चीस लाख फॉलोअर हैं वो कह रहे हैं कि साहब ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है जो सामने देख रहा है उस रील को उसको पता नहीं कि ये पैसा लेके बोल रहे हैं या उनका ऑनेस्ट ओपिनियन hmm. है बिकॉज टेलीविजन में तो पता लग जाता है कि ये विज्ञापन है और ये न्यूज़ hmm. है हालांकि वो भी आजकल थोड़ा डिफिकल्ट <laughs> है पता करना बट इन सोशल मीडिया इट इज़ इम्पॉसिबल सो वी हैव सेट दैट इफ़ यू हैव टेकन मनी और एनी मटीरियल बेनिफिट देन यू हैव टू डिस्क्लोज द अदर आस्पेक्ट विच वी रिलीज ओनली लास्ट वीक इज़ अबाउट दिस हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स Hmm. ये वाला प्रोटीन खा लो इससे ये हो जाएगा सो वी आरकिंग न्यूट्रिशनिस्ट वेन यू आर ऑफरिंग दिसवाइस इन टर्म्स ऑफ यूज अर प्रोडक्ट सो आई एम गिविंग these सॉफ्टवेयर examples बिकॉज hmm. ये सारे ही धीरे धीरे आपकी इंफॉर्मेशन लेके वेन यू ट्रांजेक्ट देन इट रिजल्ट क्राइम एंड द that यू हैव मनी इन your बैंक और इंश्योरेंस जैसे अभी सर hmm. बता रहे थे सो so, uh,

हमारी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है उस पर एक लाख से ज़्यादा शिकायतें आती हैं एवरी मंथ विच ऑल्सो इज अ टिप ऑफ द आइसबर्ग दे मस्ट बी मैनी कंप्लेंट्स उसमें जो ई e कॉमर्स की शिकायतों का प्रतिशत है वो पिछले साल चार सालों में आठ से बढ़ के चालीस हो गया मीनिंग कि एक लाख शिकायत जो मेरी पिछले महीने आई उसमें से चालीस से पचास हजार ई e कॉमर्स से रिलेटेड थी दैट शोज द एक्सटेंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर दैट हैज चेंज In favor of these e commerce platform, vis a vis the consumer. So, it is our responsibility now to you know, strengthen the consumer, the consumer rights, which we are trying. And uh, hopefully, once that is addressed, of course, crime will continue. Just a, you know, I don't in documentary that the uh, thief, the criminal, hmm. he is the artist. Hmm. Policeman is just the critic. He hmm. comes after the art has been performed. <laughs> Thank you very much. हमारे साथ एच एस धालीवाल साहब हैं स्पेशल सीपी हैं दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल हैंडल कर रहे हैं साइबर क्राइम जो है दिल्ली में जो हो रहा है इनकी ज़िम्मेदारी है आप एफबीआई के साथ काम कर रहे हैं आप अमेरिकन्स को जो ट्यूब कर रहे हैं उनको पकड़वा रहे हैं सर सबसे बड़ी चीज़ है जैसे उन्होंने कहा कि वो जो चोर है वो पहले कोई मॉडल सॉपनिटी लेके आता है लोगों को ठगता है पुलिस थोड़ा पीछे रह जाती है हमारे यहाँ कन्विक्शन साइबर क्रिमिनल्स का वो तीन भी नहीं है तीन भी नहीं है तो आप पकड़ भी लेते हैं साइबर क्रिमिनल को और हमारी आईटी एक्ट है वो इतना कमज़ोर है मुझे कोई इस बात पे गुरेज नहीं है कहने में कि इतना कमज़ोर है कि उसको तीन साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं है ज़्यादातर जो आ, आ, जो धाराएं वो अवेलेबल हैं तो सज़ा दिलाना आप लोगों के लिए कितना मुश्किल हो रहा है इस समय हार्ड कोर साइबर क्रिमिनल्स को ये सबसे रिलेवेंट पॉइंट यही है मैंने इनफैक्ट यही बोलना था कि जब तक एक्ट और स्ट्रेंजेंट नहीं होता और ख़ास तौर पर रिपीट ऑफेंडर्स के लिए देखिए कोई भी क्राइम है बड़े सारे क्रिमिनल हम जानते हैं क्योंकि स्पेशल सेल के कई कंपोनेंट्स हैं बेसिक तो है एंटी टेरर गैंग एंड ऑल हम देखते हैं कि जो हार्ड हार्ड एंड क्रिमिनल्स थे या वायलेंट क्राइम करते थे वो भी साइबर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्राइम तो क्राइम ही है उन्हें लग रहा है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यहाँ बहुत फेवरेबल है वायलेंट क्राइम करने के लिए वेपन चाहिए बहुत मुश्किल है उसको एग्जीक्यूट करना प्लान करना जाना कन्विक्शन के भी चांसेस ज़्यादा हैं अगर पकड़े जाओ यहाँ आप रिमोट जगह बैठे हो और अलग अलग मॉड्यूल हैं साइलोज में काम कर रहे हैं एक मॉड्यूल सिर्फ बैंक अकाउंट्स देख रहा है एक सिर्फ म्यूल जो अकाउंट्स हैं उनको हैंडल कर रहा है एक सिर्फ डरा रहा है तो बहुत ज़्यादा जब ये चीज़ हो गई और इनफैक्ट आपने तीन परसेंट कन्विक्शन जो बोला जो रजिस्ट्रेशन है वो ओवरऑल पहली बात तो रिपोर्टिंग पांच परसेंट भी नहीं होगी टोटल ऑफेंसेस की दिल्कुल, दिल्कुल। और फिर जो रिपोर्टिंग है उसकी पांच परसेंट रजिस्ट्रेशन भी नहीं है तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई uh, करके कम करेंगे तो ये पॉइंट वन टाइप परसेंट कन्विक्शन भी नहीं होगी बिल्कुल तो जब तक इसका सबसे क्रिटिकल पॉइंट ये है कि पहली बार जैसे होता है ग्रेडेड ऑफेंस होना चाहिए जैसे नॉर्मल भी होता है हमारे उतना बहुत ज़्यादा नहीं है फर्स्ट मर्डर में जैसे और थर्ड मर्डर में कोई सेंटेंसिंग का फ़र्क नहीं है नहीं। लेकिन वाइट कॉलर ऑफेंसेस में ये ज़रूर होना चाहिए एज अ दिस थिंग कि जो आदमी रिपीट उसमें पकड़ा जाता है तो उसका जरूर वी शुड हैव मच मोर स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशंस क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में उसको लगता है कि मैंने अगर किसी का दस लाख बीस लाख निकलवा लिया और वो आदमी दस हज़ार रुपये महीने के अदरवाइज कहीं कमा नहीं पा रहा उसको लगता है कि ठीक है अगर पकड़ा भी गया दो महीने बाद बेल हो भी गई और बीस पचास हजार फीस वगैरह पे लग गए तो उसको तब भी एंड ऑफ द डे ही इज अ नेट बेनिफिशियरी इन इकोनॉमिक टर्म्स अब मेरे डॉक्यूमेंट्री में, में जिस कैमर से बात की वो तीन चार बार जेल काट के आ चुके हैं वो कह रहे हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं और अंदर भी जाके कोई बहुत ज्यादा रिफॉर्म हम देखते हैं कहने की बातें अब जो मर्जी अंदर ट्रेनिंग कोर्स कराते रहो कुछ कराते रहो लेकिन अंदर जाके कोई रिफॉर्म नहीं होते नाइनटी नाइन परसेंट लोग ज्यादा हार्डंडी होके आते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो जाएगा उसको बड़ा झटका लगेगा वो अगली बार ही और इंटेलिजेंटली क्राइम करता है कि अगली बार मैं ऐसा क्या करूं ताकि पकड़ा ही ना जाऊं 99 परसेंट ये हो रहा है तो आई थिंक विद दी चेंजिंग टाइम्स वी विल हैव टू मे बी मॉडिफाई एंड मेक बेल कंडीशंस और आपने जो एफ वाले केसेस बताया उसमें हमारे पास एक लैंडमार्क ऑर्डर हुए हैं hmm. एक विक्टिम का ऑलमोस्ट एक लाख डॉलर उन्होंने चुराया था तो पहली बार बेल कंडीशन इतनी स्ट्रिंजेंट हुई है कि उसको पूरा अमाउंट जो चीटेड था वो उसको जमा कराना था बेल सिक्योर करने के लिए जो था और अब रिवर्स प्रॉब्लम हो गया होता गया कि पैसे चले जाते हैं पैसे वापस नहीं आते इस केस में पैसे आ गए हैं लेकिन एफबीआई और उनकी एजेंसी को एक लीगल चैलेंज है कि उसको कैसे लेके जाएं पैसे जाए बाहर कैसे ले हाँ। तो दैट इज अ वेरी आई वुड से इसमें सारा हमारा जो साइबर यूनिट है उन्होंने अच्छा काम किया बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रहा तो उससे जो एक इम्प्यूनिटी लगती है कि आप यहां बैठे इतने सैड केसेस हैं मतलब जहां पे उन्होंने यूएस नेशनल्स यूरोपियंस खासतौर पे सीनियर सिटीजन को चीट किया अभी लास्ट वीक हमने केस दर्ज किया एक लेडी थी लीजा एंड रॉक उसका चार लाख दस हजार डॉलर थे किडनी ट्रांसप्लांट हुए थे उसके तो जो आदमी इतना वनरेबल है आप उसका उसको शिकार बनाना बड़ा कई बार इजी हो जाता है एक और बड़ा इनका सैड केस था जिसमें एक यूएस नेशनल था हेनरी टोमिटा उसने तो सुसाइड कमिट कर लिया वो बुजुर्ग था 90 ईयर एज थी उसकी उसके बैंक में सिर्फ इक्यानवे हजार डॉलर सेविंग थी और उसने पूरा लेजर लिखा मरने से पहले तीन चार महीने वो बहुत फ्रस्ट्रेड हुए हमें लगता है जैसे हमारे घंटे नहीं मिलता हमें नहीं तो मिलता मुश्किल लेकिन है। अगर आप उसका लेजर पढ़ो वो भी कभी अपनी सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन पे जा रहा है कभी एक पुलिस के पास जा रहा है फिर कभी सेंट्रल तो यू नो अल्टीमेटली जैसे हमें भी लगता है रिकवरी वहां भी मनी की नहीं हो पाती है तो चैलेंज तो हम वापस ममता जी जब इन लोगों से बात हो रही थी इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में मेरे को सबसे बड़ा चैलेंज स्कैमर्स तक भी पहुंच गए कैमर्स तो डरते नहीं पहली बात तो आप उनसे मिले एज अ जर्नलिस्ट बारह साल का करियर है मेरा बड़े मुख्यमंत्रियों से लेकर मंत्रियों से ले सबके इंटरव्यूज किए होंगे बट इनका इंटरव्यू करना क्योंकि आप एज अ रिपोर्टर आप दिमाग पढ़ते हैं सामने वाला क्या बोलने वाला है वो इतना शार्प है एक लड़का वो उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है उसने यूट्यूब से देखा कि अमेरिकन कैसे बोलते हैं और यूट्यूब से सीख के उसने अमेरिकन को ड्यूब कर दिया आप सोचिए कि वो पढ़ना लिखना नहीं आता है आप नू में अभी इतना बड़ा राइट हुआ और इन साइबर क्रिमिनल्स ने साइबर थाना फूक दिया उन्होंने कुछ नहीं फूका आसपास उन्होंने साइबर थाना जो है वो टारगेट किया क्योंकि अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी रेड करी है और वरुण सिंगला ने वो रेड जो है लीड करी थी एसपी नू थे तब अब इनका कन्विक्शन कराना आपने पकड़ लिया एक सौ कह रहे हैं कि पुलिस वाले लोकल पुलिस वाले छोड़ देते हैं बता देते हैं तो इनका कन्विक्शन कराना अब आप कितना आपने पकड़ तो लिए 100 120 130 अब वो आई टी एक्ट में तो छूट जाएंगे वही सवाल अब इनको पकड़ा है अब इनको सजा तो दिलवाई है उनको एहसास तो हो कि गर उनको तो कह रहे हैं हम दो महीने में छूट के आ गए फिर करेंगे फिर करेंगे फिर करेंगे खत्म ही नहीं हो रहा उनका तो आ, मैं यहाँ पर सौरभ जी एक बात कहना चाहूंगी जो साइबर थाने फूकने की बात है मैं उसको थोड़ा करेक्शन करूंगी अटेम्प जरूर हुआ था करीब पंद्रह सौ दो की भीड़ आई थी और उनका टारगेट साइबर थाना था आ, ये मैं मतलब मुझे बड़ा गर्व से मुझे कहने मुझे फख्र भी हो रहा है कि उस समय थाने के अंदर केवल आठ पुलिस पर्सनल थे और आठ पुलिस पर्सनल ने छत पे जा के एक बड़ा स्ट्रैटेजिक तरीके से पूरा आपस आप से कोऑर्डिनेट करते हुए एक ये इम्प्रेशन दिया कि पता नहीं कितनी फोर्स नहीं है नहीं। और उन्होंने फायरिंग करके दे सस्टेन द क्राउड वो जो भीड़ थी पंद्रह सौ दो हज़ार की उन्होंने दो से ढाई घंटे उनको सस्टेन किया बस को ला कर के तोड़ने की कोशिश की दीवार भी गिर गई पर उन्होंने थाने के अंदर उनको एंटर hmm. होने नहीं दिया जो हमारा डाटा था हमारा एविडेंसेस था जो भी हमारा टोटल केस रिलेटेड मटेरियल था एवरीथिंग इज़ प्रोटेक्टेड सेफ तो वो जो है थाना इज़ वेरी मच सेफ ऑल द एविडेंस आर वेरी मच सेफ उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है हमारे बहादुर जो हमारे पुलिस कर्मचारी थे उन्होंने उसको बचा लिया रही उसके बाद कन्विक्शन की जो धालीवाल ने कहा है मैं उससे पूरी तरह एग्री करती हूँ हमारे इस पर्टिकुलर रेट के बाद में मैं इतना कहूँगी कि क्योंकि ये बहुत टॉप लेवल से इनिशिएटिव था और वरुण ने इसे बहुत मेहनत की तो जो हमारे हरियाणा के जो बेस्ट आ, साइबर इन्वेस्टिगेशन के जो एक्सपर्ट हैं और उसमें हमने कुछ कंसल्टेंट्स की भी हमने हेल्प ली थी वरुण ने क्योंकि पुलिस के जो आई हैं आ, बल्क जो केसेस का था इट वाज मोर देन 200 केसेस जो हमने आ, पिक किए थे और 200 केसेस वो थे जिनके लिंक कहीं ना कहीं नूह में जा रहे थे और उसको भी आइडेंटिफाई करके हमने चौदह गांव को टारगेट किया था जहां हर गांव में तीन तीन चार चार हमारे आ, जो हमारे सस्पेक्ट्स थे उनके इंटरोगेशन के बाद लगभग ढाई सौ तीन सौ के नाम और आए थे ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है यहाँ मैं इतना कह कह सकती हूँ कि जो हमारी बेस्ट टीम्स हैं वो इसमें लगी हुई हैं और स्पेशली जो है उनको उन्हों में बिठाया गया है अभी कंटिन्यूस रेट चल रही है डॉट्स कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो आपकी वाली बात है कि कन्विक्शन लो है क्योंकि रिवार्ड मनी ज़्यादा है पर आइडेंटिफाई करना ट्रैक करना मुश्किल है इस केस में जो फेक सिम मिले हैं फेक सिम को जहाँ से इश्यू हुए हैं जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उन तक जाया जा रहा है जो यू मिली हैं यू को uh, करीब हंड्रेड के करीब यू भी मिली हैं उसको भी आइडेंटिफाई uh, करके एंड तक जाया जा रहा है कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि इसमें जो हमारा एफर्ट है राइट फ्रॉम सोर्स अप टू द लास्ट पर्सन ज इन द चेन सबको कनेक्ट करके और उसके लिए हमें जितने भी एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ी जो हमारे फील्ड में है जो हमारे पुलिस में है जो हमने बाहर से भी एंगेज किए हुए हैं जो हमें अपने तरीके से खुद प्रोबोनो भी कई लोग हमें हेल्प करें जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं सो वी आर एक्सपेक्टिंग कम से कम जिस तरह से एक रेड हमने एक बहुत मेटिकुलसली प्लान करके इतनी बड़ी रेड की और मैं इस बात को मतलब मुझे फ़ख्र है कहने में कि जब पाँच की रेड रूरल एरिया में गाँव के अंदर सुबह तीन बजे जाते

सबके पास कोई अठूता नहीं आपके पास भी आते होंगे बिल्कुल आते हैं सर लोगों की शिकायत है कि पुलिस मुकदमा नहीं लिखती मैंने और एक विक्टिम है हमारे साथ वो आप अपना नाम बताइए मेरा नाम रोहन है हां तो बताइए क्या हुआ आपके साथ तो एक्चुअली मेरे फादर हैं हाँ। उनके साथ क्या हुआ था उन्होंने गलती से एक लिंक पे क्लिक कर दिया था हां और पहले उनके अकाउंट से ₹300 कटे फिर तीन सौ रुपए कटे एंड फिर वो अमाउंट बढ़ता गया और वो पूरा सोलह हजार तक पहुंच गया कुछ ही टाइम में एक घंटे में मेरे पापा जो थे वो कॉल करते रहे बैंक वालों का उन्होंने कॉल नहीं उठाया जब उन्होंने कॉल उठाया तब तक सोलह हजार रुपए जा चुके थे तो इस बात को एक महीना हो चुका है बैंक वाले कह रहे कि हम अपनी पुलिस ने लिखा मुकदमा लिखा पुलिस ने नहीं वो वो नहीं हुआ नहीं हुआ सर देखिए सोलह हजार रुपए में तो मतलब मैं पत्रकार के तौर पर बता रहा हूँ मतलब लिखेंगे ही नहीं एफ आई आर ही नहीं वो सोलह हजार रुपये तो क्या है अरे आप ध्यान रखो आपने खुद लिंक क्लिक कर दिया लोगों की शिकायत है कन्विक्शन तो आप बाद में करा लीजिए मुकदमा वन पॉइंट सेवन परसेंट केसेज में होता है ये ये डेटा है सरकारी सौ लोग शिकायत लेकर के आते हैं कि हमारे पास देखिए हमारे साथ साइबर फ्रॉड हुआ एक वन दो लोगों का भी आप लोग मुकदमा नहीं लिखते आप लोग इन द सेंस मैं एक पुलिस महकमे में बात कर रहा हूँ सबसे बड़ी शिकायत लोगों की कि मुकदमे नहीं लिखे जाते साइबर फ्रॉड्स में उनके रजिस्ट्रेशन लो है इम्प्रूव होने की जरूरत है इम्प्रूव होने की जरूरत है आ, सर मान रहे हैं लो आप लोकल पुलिस का चूंकि आप आईपीएस ऑफिसर हैं आप एक आप भी आईपीएस ऑफिसर हैं आप लोग बड़ी चीजों पर आपने पकड़ लिए कन्वेक्शन कराना है आप उस पॉलिसी लेवल पे तो कर लेते लेकिन जो लोकल पुलिस है इनका हमने देखा है बहुत इन साइबर क्रिमिनल्स के साथ में एक कनाइवेंस होता है मैं चूंकि कर रहा हूँ और एक बहुत जर्नलिस्टिक बात है तो लोकल पुलिस को कैसे सेंसिटाइज कर रहे हैं आप लोग कि वो मिल ना जाएं क्योंकि जो साइबर क्रिमिनल जिनसे हम बात करिए हम बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो फोर्स है बहुत मेहनत करती है लेकिन कुछ लोग की वजह से पूरी फोर्स बदनाम नहीं होनी चाहिए पुलिस वालों को पता होता है कि ये कर रहा है इस गांव में ये कर रहा है उस गांव में इसीलिए इन्होंने पूरी जो पाँच हज़ार की रेड रखी उसमें लोकल पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया तो पुलिस को कैसे सेंसिटाइज़ कर रहे हैं आप लोग दिल्ली में चूँकि आपका एक डिपार्टमेंट है इसके लिए तो वो लोकल पुलिस कैसे सेंसिटिव रहे और अपनी इंटीग्रिटी बना के रखे वो कितना इंपॉर्टेंट है एक्चुअली कुछ अनफॉर्चुनेटली पूरे कंट्री में ना कुछ पॉकेट्स बन गई हैं या आइडेंटिफाई हो गई हैं जैसे जाम तारा का हाईलाइट हुआ या नू का रीजन हुआ हर जगह है लेकिन जिस तरीके का मास जो लोगों की टारगेटिंग वाला है वो ऐसी कोई पॉकेट मतलब हर आदमी कहेगा कि उसके एरिया में नहीं है लेकिन अगर कोई भी हमारे एरिया में रिपोर्ट होती है तो उस पर तो मतलब लोकल हमने कोई ऐसा नहीं देखा कि कोई कॉन्सेंट्रेटेड hmm. जैसा आप कह रहे हैं मतलब जैसा कुछ रीजन्स में आइडेंटिफाइड है तो ऐसा कोई मतलब हमारे उसमें नहीं आया लेकिन टू हैव अ वाइडर रीच ऑफ साइबर पुलिस अब दिल्ली में हरेक uh, जिले में एक एक साइबर पुलिस स्टेशन बना दिया गया है hmm. और उनका मैंडेट भी uh, जो नोडल साइबर uh, यूनिट का है वही मैंडेट उनका है hmm. तो एज फारीपल्स एक्सेसर्ड उसम नहीं है लेकिन अगर उसके बाद भी अगर कुछ होता है तो दे मस्ट एसकेलेट देर ऑफिस नहीं पुलिस पे सवाल उठते हैं पर पुलिस पे अगर सवाल उठते तो उसका ये कहना है की बिकॉज देर इज अंस मैं थोड़ा सा उसमें अपने विचार थोड़ा सा,

सवाल मुझसे कहें कि जैसे लीकर माफिया चल रहा है या माइन माफिया चल रहा है या कोई इस तरह का अपराध है जो विजिबल अपराध है तो मैं आपकी पूरी इस बात से सहमत हूँ कि बिना लोकल पुलिस की कनाइबंस के इस तरह का माफिया ड्रग का माफिया लिकर का माफिया माइनिंग का माफिया नहीं चल सकता साइबर क्राइम जो होता है आपको पता है ख़ुद आपने बात कही है कि अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर जाके करता है अगर वो इतना ही संगठित है और हमारे ऑर्गेनाइज कनाइवेंस है तो वो दस किलोमीटर क्यों पार करके जा रहा है वो अपने घर से करें

साइबर पुलिस स्टेशन भी बन गए हैं और अब तो हमारे हरियाणा में हर जिले में हमने साइबर पुलिस स्टेशन बनाए उसके अलावा साइबर सेल हेडक्वार्टर पे भी एडीज रैंक के ऑफिसर उसको फॉलो करते हैं उसके बाद लेटेस्ट कम टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट छोटा सा एक डाटा देती हूँ कि अगर हम एनसीआरबी का डाटा इकतीस तेईस अगस्त hmm. यानी दो दिन पहले तक का देखते हैं तो दस लाख कंप्लेंट ऑलरेडी hmm. रिसीव हो चुकी है दस लाख उसमें से लगभग पंद्रह जो है एफ में कन्वर्ट हुई है बीस हजार के करीब क्लोज हो चुकी है hmm. अब होता क्या है कि जब आपका साइबर सेल में या उसमें व्यक्ति जाता है दिन में रोज 10, 15, 20 जा रहे हैं किसी का 200 जा रहा है तो किसी का 2000 जा रहा है तो किसी का 16000 जा रहा है और जब 10, 10, 15, पंद्रह और आईओ कितने हैं लिमिटेड आपके उस थान में की कमी है।, 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 है और उसमें एक प्रोविजन है आईटी एक्ट का एक जो बहुत कंस्ट्रेन है जो एज अ पुलिस ऑफिसर मैं कह सकती हूँ उसमें रूल है हु इज एम्पावर्ड टू रजिस्टर एंड इन्वेस्टिगेट इंस्पेक्टर्स

सोल्यूशन बताइए आप तो एक इंडिपेंडेंट व्यू रखते हैं देखिए सोल्यूशन दो तीन चीजों पर काम करना पड़ेगा जैसे कि मैम ने कहा सर ने बोला डेफिनेटली जो पुलिस फोर्स है उसके पास लोड बहुत है और सारे केस रजिस्टर कर भी लेंगे तो भी कोई ऐसा तो है नहीं कि हर केस पे इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे अभी जो केसेस रजिस्टर्ड हैं वही सारे इन्वेस्टिगेट नहीं हो पाते तो प्रैक्टिकली हमें समझना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा नंबर्स है दूसरा जो एक सजेशन मैं देना चाहूंगा कि पुलिस फोर्स की जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें हम लोग क्या टेस्ट करते हैं जो अभी आज भी हमारे कांस्टेबल हैं इंस्पेक्टर्स हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट किया या थोड़ा सा यहाँ पर चीज अलग है hmm. वो चीज टेस्ट नहीं होती है hmm. और फिर हम कोशिश करते हैं कि अब जो आ गए उनको हम सिखा दें hmm. वो उस माइंड से आया नहीं है hmm. तो हम कितना भी ट्रेन करा लें कितना भी कुछ कर लें वो उस लेट से आया ही नहीं था वो हमेशा उसको साइड जॉब की तरह लेता है या जबरदस्ती सोचता की पनिशमेंट पोस्टिंग दे दी मुझे तो साइबर में ये एक माइंड है जो मैं चूकी डील करता हूँ तो वो एक्सेल करने की कोशिश नहीं करता उसमें और ये बहुत बहुत एफर्ट चाहिए इसमें जितने लोग हैं यहाँ पर काफी साइबर पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने बहुत एफर्ट लगाया बहुत पढ़ाई की तब जाके उस लेवल पर पहुंचे तो मेरे ख्याल से अब ये समय आ गया है और सर चूंकि है इसलिए कि हमें एक स्पेशल सिलेक्शन प्रोसेस रखना होगा सिर्फ साइबर के लिए और उसमें हम चाहे बीटेक को लें चाहे हम इंजीनियर लें या जो भी ग्रेजुएट हो मतलब उसको हिसाब से ट्रेन थोड़ा सा पहले होना चाहिए और तभी हम उसको लें तो फिर शायद रिजल्ट बहुत ये आप कंक्लूड करिए हमें सोल्यूशन आम जनता जो आपको इस वक्त एन के माध्यम से सुन रही है सोल्यूशन क्या है हम क्योंकि सर ने जो बहुत सा पॉइंट बोला डॉक्यूमेंट्री में कि आप कहीं ना कहीं गलती करेंगे और वो उस गलती पर आप फंस जाएंगे क्योंकि हर चीज आपको पासपोर्ट बनाने से लेकर के आधार से लेकर के हर चीज ऑनलाइन है और आप कहीं ना कहीं तो फंसेंगे दोनों तरफ से इसको टैकल करना पड़ेगा एक तो प्रिवेंशन जो मैंने कहा कि वी है हम लोग अभी एक सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं और एनसीआरबी के साथ मिलकर एक uh, जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें एक बुकलेट लिखने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग हाउ पीपल शुड बी केयरफुल द अदर थिंग विच आई एम नॉट एन आई पी एस ऑफिसर बट आई वॉज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम इन माई स्टेट सो आई डेल्ट विद आई थिंक देर इज़ अ बिग इशू ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स ऑफ आई टी पुलिस डिपार्टमेंट देयर फील्ड ऑफिसर्स एंड अदर एक्सपर्ट्स इन द सेक्टर जैसा इन्होंने एकदम सही फरमाया कि जो रिक्रूट हो रहा है इज नॉट एन एक्सपर्ट द आई पी एस ऑफिसर्स आर फ्रॉम आई आई टी कानपुर एंड अदर प्लेसेज हु बट नीचे के लेवल पे जो कोऑर्डिनेशन है वो एकदम लैक उसका दिखता था जब मैं होम सेक्रेटरी था तो मतलब एवरीबडी इट इट्स नॉट ओनली इन इंडिया इट्स हैपेंस ओवरसीज ऑल्सो इंडिया ने ओवरसीज सीज एग्जाम्पल दिए बिटवीन द एफ बी आई एंड द काउंटी पुलिस एंड द लोकल पुलिस वो जैसे वो एक जो बुजुर्ग व्यक्ति जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली सुसाइड किया उसका एग्जाम्पल दे रहे थे तो उसने भी बेचारे ने कभी इधर कंप्लेंट की कभी उधर सो एक नाउ देर इज़ अ सिस्टम इन द यू एस आई थिंक इज कॉल्ड द सेंटिनल और समथिंग वे आर एनी सच क्राइम इट गोज टू अ पोर्टल एंड इट क्रिएट्स अ डेटा बेस ऑफ रिपीट ऑफेंडर्स सो अगर दूसरे जगह कहीं वो आ रहा है तो उसका तुरंत वो चेक हो जाता है कि दिस गाय वॉज इन्वॉल्व इन सच क्राइम सो आई थिंक वी द कोऑर्डिनेशन एंड प्रिवेंशन आर द टू बिग इशूज एंड आई थिंक पुलिस इज डूइंग अ ग्रेट जॉब सो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ जुड़े तो हमारी ये डॉक्यूमेंट्री है साइबर क्राइम के ऊपर इन साइड इंडियाज ओ टी पी माफिया फ्रॉम नू टू न्यूयॉर्क एन डी टी वी प्लेटफॉर्म्स पर हम लोग uh, शुक्रवार रात आठ बजे इसको लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं एन डी टी वी इंडिया एन डी टी वी इंग्लिश हमारे सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जरूर देखें और हमेशा सचेत रहें अनोन लिंक पर क्लिक नहीं करें आप लोगों की सावधानी हटी घटना घटी आप लोगों को सचेत रहना पड़ेगा बाकी सरकार कोशिश कर रही है और पुलिस भी अपना काम कर रही है लेकिन हमें खुद सचेत रहना होगा बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको एक ओटीपी आया होगा आपको अलर्ट पर रहना है एवरी डे